आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की पीटीआई के दरख्वास्त गुजारों को हिदायत। कहा पिटिशनर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को पार्लियामेंट में ही खत्म किया जा सकता है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियती साबित करें। इमरान खान लोगों से हलफ लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तैयार। पंजाब की क़यादत को बंदे जमा करने का टारगेट दे दिया। गुजरांवाला 6,000, सियालकोट 6,000, गुजरात 6,000, मंडी बहाउद्दीन 5,000, हाफिजाबाद 4,000, नारोवाल 4,000 बंदे लाने की हिदायत। पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए राणा सनाउल्लाह ने कमर कस ली। इस्लामाबाद सील कर दिया। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुँचा दिए। पीटीआई का लॉन्ग मार्च कैसे रोकेंगे? क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? शहबाज शरीफ 4 बजे वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल पर कौम को इत्तेमाद मिलेंगे। साइफर के मामले पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के अहम फैसलों से भी आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादियों ने इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वार्निंग देते हुए कहा कि आइनो कानून की हदूद फैलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राणा सनाउल्लाह हमें कैसे रोकेगा? इस्लामाबाद के चारों तरफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में हमारी हुकूमतें हैं। इमरान खान की मीडिया से बातचीत। कहा लॉन्ग मार्च कब होगा? किसी को तारीख नहीं बताएंगे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी तारीख नहीं बताई। 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना आए। तैयारी रखो, सारे कार्ड सीने से लगे हैं। डेटा जमा होने पर बताएंगे मार्च कब करना है। लॉन्ग मार्च पर वजीर आला पंजाब और वजीर दाखला आमने सामने। वजीर दाखला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये सियासी मसला है। मार्च के शुरका को सहूलियात भी नहीं दी जाएंगी। सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं वजीर दाखला पंजाब के बयान को ना देखें। लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राणा सना को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद है मॉडल टाउन में राणा सनाउल्लाह को सजा होगी। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2.19 रुपए की कमी। कारोबार के दौरान डॉलर 221.75 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.80 रुपए सस्ता होकर 225.20 रुपए का हो गया। वजीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। बढ़ती महंगाई, GDP की शराय नमू में कमी, बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त की जाएगी। दौरा अमरीका मुकम्मल करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद वापस वतन रवाना। वाशिंगटन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज में पाकिस्तानी सिफारतखाने में जहराना। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक अरकान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी, तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। सैलाब जदगान की मदद के लिए फौज की काविशों का जिक्र किया। अफगानिस्तान से अमरीका इनखिला और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से हुई तबाही की शिद्दत हमारे वसाइल से बाहर है। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के काबिल हो जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वजीर आजम का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। आलूदगी फैलाने वाले अमीर ममालिक से माहौलियाती इंसाफ की अपील। कहा पाकिस्तान को सेहत, फूड सिक्योरिटी, नकल मकानी के गैर मामूली बहरान का सामना है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ खड़े हों। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी अब तक ना निकाले जाने से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बदबूदार पानी और वबाई बीमारियों ने मुश्किलात बढ़ा दी। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो से 2 बच्चियां इंतकाल कर गईं। 24 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। बलोचिस्तान के मुतासरा अजला में मलेरिया, डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के 7,000 के करीब केस रिपोर्ट हुए। सदर आरिफ अलवी सेनेट और कौमी असेंबली के मुश्तरक इजलास से आज खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड एक मंसूबे में करप्शन के मुलजिमान की जमानतों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। नैब को 60 रोज तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। करप्शन के मुलजिमान को 7 रोज में एहतिसाब अदालत से रुजू करने की हिदायत। बैरून ममालिक से रुकूम की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली पर पीटीआई के खिलाफ कराची में पर्चा कट गया। एफआई स्टेट बैंक सर्कल कराची में एफआईआर दर्ज। आरिफ मसूद नकवी, तारिक शफी और मोहम्मद रफी लखानी मुलजिमान नामजद। मुकदमे के मुताबिक 9 अरब रुपए की रकम फॉरन टेलीग्राफ ट्रांसफर के जरिए अमन फाउंडेशन के अकाउंट में मुंतकिल की गयी। इस्लामाबाद की अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शाहनवाज अमीर के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की थी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे स्कूलों तक पहुंच गए। तालिबात सरापा एहतजाज। स्कूल में बतौर मेहमान तकरीर के लिए आए ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स के अहलकार को तकरीर से रोक दिया। गेट लॉस्ट के नारे। तालिबात ने सरों से स्कार्फ उतार कर एहतजाजन हवा में लहरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इखलाकी पुलिस और लाजमी हेड स्कार्फ पॉलिसी के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। पाकिस्तान जूनियर लीग आज से शुरू हो रही है। 24 गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा। हर टीम में 4 गैर मुल्की, 11 मुकामी खिलाड़ी होंगे। कौमी स्क्वाड का क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग सेशन। 3 घंटे तक जारी रहने वाले सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकीन। तमाम खिलाड़ियों ने लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में ट्रेनिंग की। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। अमेरिका में दुनिया का मामर तरीन कुत्ता 22 साल जीने के बाद तबई मौत मर गया। अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना के इस कुत्ते का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था और इसकी मौत अपने मालिक के घर पर हुई। पेबल्स नामी कुत्ता 5 माह बाद 23 साल का हो जाता, ताहम ऐसा ना हो सका। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंक यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंक फेसबुक पेज।